नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं सिंगर राजेश रशिया यादव। नाम तो लंबा है लेकिन इनका काम भी बहुत लंबा है। 2012 से भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी चल रहा है 2022। 10 साल तकरीबन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। सक्सेस आदमी तभी होता है जब आप तक उसकी आवाज पहुंचती है, आप तक उसकी बात पहुंचती है, आप तक उसका नाम पहुंचता है। और चर्चा यही काम करता आया है और करता रहेगा। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं और इन्हें चर्चा के प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा जो अभी तक ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी चर्चा के दर्शक देख रहे हैं उन सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं कहना चाहूँगा सर कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बीच बीच में कुछ मेरा गैप हो जाता है, इसके वजह से थोड़ा मेरा एल्बम नहीं आ पाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने और स्टार हुए हैं, जितने और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 95% लोग गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। गरीब फैमिली और स्ट्रगल से कोई भी वास्ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो आज देश पे राज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो आज देश की सत्ता पे स्थापित हैं। तो ये आप मत समझिए कि आप गरीब हैं तो आप इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। गरीबी का स्ट्रगल से कोई वास्ता नहीं है। अभी तक आपने मैक्सिमम कितने गाने गाए होंगे? अभी तक मैं मैक्सिमम 100 लगभग गाने गाए होंगे सर। 100 गाने? यस सर। कौन कौन सी कंपनी से आपके गाने रिलीज हुए हैं? RSM से भी मेरा हुआ है, RH रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भी मेरा हुआ है, ट्रिपल माइंड स्टूडियो से भी हुआ है और अभी तो धमाका होने वाला है रिया फिल्म्स के माध्यम से। रिया फिल्म से क्या आप पहली बार अपने गाने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जी सर, पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, कोई गाना आपका जो मार्केट में, वैसे गाने तो आपके चले नहीं है, कोई गाना जो आपको लग रहा था कि ये गाना मैं गाऊंगा तो चल जाएगा लेकिन वो गाना नहीं चला? जी, मेरा एक गाना था, साइड सॉन्ग था, वो थोड़ा बहुत बजा था, दिलवा पे कैसन घाव दिहलू अनोखा, दिलवा पे कैसन घाव दिहलू अनोखा, ऐसनम तू हमारा संग है कैलू काहे धोखा, ऐसनम तू हमारा संग है कैलू काहे धोखा। ये गाना कहाँ से रिलीज है आपका? सर, ये गाना संदेश म्यूजिक के माध्यम से आया था, उस टाइम कैसेट का जमाना था। अच्छा, आप तब से गा रहे हैं, मतलब कैसेट के टाइम जब यूट्यूब भी नहीं था तब से? जी, लेकिन 2012 में तो यूट्यूब आ गया था। आ गया है सर, तो लेकिन फिर भी कैसेट चलती थी। जी चलती। वो सीडी? जी सीडी का, या वो रील वाले कैसेट? नहीं, सर सीडी वाले कैसेट। सीडी का जमाना आ गया जी, था। जी। आप अपने असफल होने का कारण क्या मानते हैं? अभी तक आपके गाने वायरल नहीं हो पाए, रीजन क्या है? आपको क्या लगता है कि आप तक जनता की आवाज क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए सर, ये तो अभी यूट्यूब का जमाना है, वायरल होना तो एक आम बात हो गया है, लेकिन सबसे पहले नंबर बात है कि मैं भक्ति गाना गाता हूँ, सिर्फ ज्यादा करके मैं भक्ति गाना ही गाता हूँ। डिवोशनल सॉन्ग गाते हैं? जी, ज्यादा करके मैं भक्ति गाना गाता हूँ। और ऐसे तो भोजपुरी में कितने अश्लील वगैरह गाना मेरे पास उपस्थित है सर, लेकिन मैं उस गाने को परोसता नहीं पब्लिक के बीच में, क्योंकि गाली गलौज से मैं, कंट्रोवर्सी से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। तो आप ये मानते हैं कि आप अश्लील गाना नहीं गाते इसलिए आप हिट नहीं हो पाए, आप भक्ति गाना गाते हैं इसलिए फ्लॉप हो गए, आप ये मानते हैं? जी यही। तो निविया के डार मैया गाना हिट कैसे हो गया सर? ये तो जैसे कि सब गाना गाते हैं, कोई भी स्टेज शो सब यही गाते हैं कि निमिया के डार मैया, ये गाना फिर कैसे हिट हो गया? जी हो गया। शारदा सिन्हा ने इतने गाने भक्ति गाए, भरत शर्मा ने इतने भक्ति गाने गाए, पवन सिंह ने इतने भक्ति, खासतौर पर पवन सिंह सैड सॉन्ग अपने भक्ति गाने के लिए ही तो माने जाते हैं, कल्पना के इतने पारंपरिक भक्ति गाने हिट हुए हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपने भोजपुरी में अश्लील गाने नहीं गाए इसलिए आपके गाने नहीं चले? सर अश्लील गाने हम नहीं गाना चाहते हैं, नहीं तो आज हम भी वायरल होते। भक्ति गाने भी तो वायरल होते हैं भाई, बहुत से भक्ति गाने हैं, आप देखो अनु दुबे को देखो, भक्ति गाने कितने उन्होंने गाए हैं। होता है, भक्ति गाने भी वायरल होते हैं, इसी के आस लगाए बैठे हुए हैं कि हमारा भी कभी एक भक्ति गाना वायरल हो जाए। अभी प्रेजेंट टाइम पे आप रिया फिल्म से काम कर रहे हैं जी। आपके साथ में राइटर कौन से जुड़े हुए हैं? सर राइटर तो अभी खुद मैं गाना लिखता हूँ, और मैं गाना ही नहीं, मैं फिल्म का कहानी भी लिखता हूँ। अभी मेरे पास 4-4 फिल्म का कहानी मैं लिख के रखा हूँ घर में। अच्छा, आप लेखक भी राइटर भी हैं जी। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर ऐसे में रहने वाले मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाले, वैसे मेरा प्रॉपर गाँव भिखनपुरा पड़ता है। 10 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी आपके दिल में ये बात नहीं आई कि अब हमें ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, हम सक्सेस नहीं हो पाए हैं? नहीं सर, भोजपुरी इंडस्ट्री तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था तो हमारे टीचर बोलते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो मन से, तो मेरे को पढ़ाई में उतना इंगेज नहीं मिलता था सर, मैं गाने ज्यादातर लिए उस पर ही फोकस करता था। घर फैमिली परिवार का कभी आपको प्रेशर नहीं पड़ा कि इतने साल से बेटा तू लगा हुआ है कुछ नहीं हो पाया है, अब तू काम पे ध्यान दे, परिवार पे ध्यान दे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे फैमिली तो हमें बहुत सपोर्ट करता है, हमारा बड़ा भाई है,
तो बहुत सपोर्ट करते हैं। बड़ी वाली भाभी है वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे घर के जितने भी फैमिली है वो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, फैमिली आपको सपोर्ट करती है, फैमिली सपोर्टिव है। जी बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लग रहा है, 10 साल तो हो गए स्ट्रगल करते हुए, अब उम्मीद की किरण है या फिर अभी आप बस कर रहे हैं काम लगे हुए जैसे और बहुत सारे सिंगर गा रहे हैं? सर अभी जब तक मैं मुकाम हासिल करूंगा नहीं तब तक उम्मीद का किरण मेरे अंदर वो है ना वो जलते रहेगा। जैसा कि आपने कहा आपने भक्ति गाने गाए इसलिए हिट नहीं हो पाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप दूसरा जोन ट्राई करना चाहिए, जैसा कि सैड सॉन्ग हो गया या कॉमेडी? अभी कॉमेडी बहुत चल रहा है गानों में, अगर आप जैसे कि अमित पटेल हैं, जैसे कि नीलकमल हैं, खेसारी लाल यादव भी कभी कभी कॉमेडी करते हैं, आपको याद होगा पुदीना सॉन्ग जो पवन सिंह ने गाया था उसमें भी थोड़ी कॉमेडी थी, वो गाना कितना वायरल हुआ, तो आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ा कॉमेडी टाइप के भी गाने हमें ट्राई करने चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए और करेंगे भी अभी क्योंकि रिया फिल्म के माध्यम से जुड़े हैं और अभी एक पर एक धमाका प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि अभी मेरा जो भक्ति सॉन्ग है बहुत ही बवाल मचाएगा आम जी के दशहरा में। 10 साल में आपने कितने पैसे अभी तक एल्बम में इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं? सर ये तो हिसाब देना नामुमकिन है जी, इसका नामुमकिन मतलब इतना पैसा दे दिया आपने? नहीं दे, अभी इसका हिसाब तो नहीं दे पाए। 10-12 लाख लग गए होंगे? जी नहीं, कम से कम 4-5 से 6 लाख तो जरूर लगे होंगे सर। 6 लाख रुपए आपके चले गए जी। तो आप 2012 से 2022 तक कंटिन्यू लगे हुए थे या बीच में आपका गैप भी हुआ? जी बीच में कभी कभी कोई ऐसा जो सीजन आता है उसमें थोड़ा गैप हो जाता है जी। मुझे लगता है कि ये भी एक कारण आपके असफल होने का हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम हो जब आप कंटिन्यू करते हैं लगे रहते हैं तो सफल होने का चांस ज्यादा होता है, जब ब्रेक लेते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है। जी ब्रेकअप इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं अच्छे जगह नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अभी जो है मैं दिल्ली में आया हूं पहली बार नहीं आया हूं मैं, इससे भी पहले बार आया था जो मैं पहला एल्बम किया था जवानी राखा तोप के, तो उस एल्बम को मैं एंगल म्यूजिक के माध्यम से रिलीज करना चाहता हूं। जवानी राखा तोप के, इसका कोई गाना आपको याद है? जी बिल्कुल, उसी का साइड सॉन्ग सुना है आपको सर। अच्छा, नाम एकदम अलग है, गाना एकदम अलग है। जी जी जी, इसका भी कोई था तो मैं उस टाइम से मैं भोजपुरी मतलब भक्ति गाना तो मैं। और कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे? बात तो हमने काफी कर ली, कोई जो आपके दिल के करीब हो, जो आपने गाया हो, आपको लगता है कि वो गाना हिट होना ही चाहिए था, वो गाना आखिर हिट क्यों नहीं हुआ, वो गाना आप सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुनाइए। सब दुखवा से देनी उबारन तबे नु पूजा सकरनी, सब दुखवा से देनी उबारन तबे नु पूजा सकरनी, माई रहुए डकटरनी हई रहुए मसटरनी, माई रहुए डकटरनी हई रहुए मसटरनी। भक्ति गाने आपने ज्यादा गाए हैं। जी जी, आप क्या निवेदन करना चाहेंगे जो चर्चा का परिवार आज दिख रहा है उससे, आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे अपने लिए? इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे सभी सिंगरों को अपने प्यार देते हैं वैसे एक बार हमें भी दे, एक बार हमें भी मौका दे, फिर मार्केट में तो बवाल ही बवाल होगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप बहुत जल्दी पॉपुलर होंगे, हिट होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने चर्चा में टाइम दिया। देखा जैसा कि भाई 2012 से काम कर रहे हैं और 2022 चल रहा है, बीच बीच में इन्होंने ब्रेकअप भी किया है, और मेरा ये मानना है कि कोई भी आप काम करें तो कंटिन्यू काम करें, आप रुके नहीं, क्योंकि उसमें सफल होने का चांस ज्यादा है। और अगर आप ब्रेक करते हैं बीच बीच में, मान लीजिए आपने एक गाना आज गाया फिर 6 महीने बाद निकाला, तो आप कैसे हिट हो पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, किसी भी सिंगर को वर्सेटाइल होना चाहिए, आप भक्ति गाने जरूर गाइए लेकिन भोजपुरी भी गाने गाइए। भोजपुरी का मतलब ये नहीं है कि अश्लीलता, भोजपुरी में भी साफ सुथरे गाने गाए जा सकते हैं, आप थोड़ा कॉमेडी ट्राई करिए। आज के टाइम पे भोजपुरी में जो जोन चल रहा है आप देखिए, पुदीना वाला गाना देखिए कितना बढ़िया टॉप का चला हुआ था, अमित पटेल कितना अच्छा अच्छा गाना लेके आते हैं कॉमेडी में, थोड़ा कॉमेडी भी ट्राई करिए। नीलकमल का देखिए कैसा जोन है, वो अक्सर कॉमेडी को छूते हुए निकल जाते हैं अपने गानों के माध्यम से, तो ऐसे गाने जरूर चलते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, नहीं तो 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल भी अगर आप मेहनत करेंगे एल्बम में तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कुछ पॉइंट हैं, मैंने काफी वीडियोस इस बारे में बताई है, बनाई है चर्चा के लिए ऐसे नए सिंगरों के लिए, तो आप लोग इसमें विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो पैसा भी आपका खराब होगा और टाइम भी आपका खराब होगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो, प्लीज हमें कॉमेंट जरूर करें। जय हिंद।